दोस्तों, आज मैं आपको पेट की बीमारियों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें गैस प्रमुख रूप से है। यह समस्या आम है जो ज़्यादातर लोगों को होती है। पेट में गैस बनने के कई कारण होते हैं। कभी यह आपके भूखे रहने या गलत खान पान के कारण होती है, तो कभी यह अन्य कारणों से भी होती है। छोटी उम्र से लेकर युवाओं तथा बुजुर्गों में भी पेट में अम्ल की अधिकता के कारण गैस की समस्या हो सकती है। गैस बनने के प्रमुख कारण पेट में अम्ल का निर्माण होना है। इसके अलावा अत्यधिक भोजन करना, मानसिक चिंता, ऐसा भोजन जो गरिष्ठ हो तथा भोजन को ठीक तरीके से चबा कर न खाना, मद्यपान आदि कारणों से भी पेट में गैस बन जाती है। कभी-कभी कुछ बीमारियों जैसे पथरी, ट्यूमर, अल्सर, वायरल फीवर तथा किसी प्रकार के इन्फेक्शन के कारण भी पेट में गैस बनना शुरू हो जाता है। कई बार कुछ बैक्टीरियों के कारण भी यह समस्या हो जाती है, जिनमें उल्टी, दस्त, पेट में जलन तथा अपच की समस्या सामने आती है। इसके अलावा एसिडिटी, कब्ज, फूड पॉइजनिंग तथा कुछ विशेष दवाओं के सेवन से भी गैस की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तीखा या चटपटा भोजन भी इसका मुख्य कारण हो सकता है। वैसे गैस की समस्या का निराकरण यदि शुरुआती दिनों में हो जाए तो इसके गंभीर परिणामों से बचा जा सकता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको गैस से निजात पाने के लिए झंडू पंचारिष्ट के बारे में बतलाने जा रहा हूँ, जो पेट की तथा गैस और कब्ज के लिए एक पूर्ण औषधि है। इसमें निम्न घटकों का कुछ संक्षिप्त तथा विवरण में बताने जा रहा हूँ। हाँ, तो दोस्तों, आज मैं झंडू पंचारिष्ट के मुख्य घटकों के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। इसमें है द्राक्षा, जिसे दाक या मुनक्का भी कहते हैं। यह खांसी, पेशाब की जलन तथा कब्ज नाशक है। पेशाब भी खुल करके आता है। दशमूल है, जो त्रिदोष नाशक होता है। खांसी, श्वास, ज्वर आदि नाशक है। सिरदर्द भी इससे ठीक होता है। सतावर या मधुर, शीत, गुरु, स्नेहन, अस्तन जनन, मूत्र जनन, शुक्र जनन, अग्निवर्धक तथा त्रिदोष नाशक है। गिलोय, गिलोय त्रिदोष नाशक होता है, जो इसमें पड़ा हुआ है। रसायन ज्वरहर, त्वक रोग नाशक, पित्तसारक तथा विषग्न है। इसमें मुलेठी भी पड़ा है, जो मधुर, शीतल, स्नेहन, बल, वृक्ष, रसायन, कफ नाशक, स्वर को अच्छा और मधुर बनाने वाला, पेशाब की जलन को दूर करता है। मजीठ, मजीठ जो इसमें होता है पड़ा हुआ, वह पथरी दूर करने वाला होता है तथा चर्म रोग नाशक होता है। गर्भाशय संकोचन की क्रिया भी होती है उसमें, और गर्भाशय शोधक भी है। जीर्ण अतिसार नाशक, जिसमें रक्त अतिसार हो या अमातिसार हो, दोनों में यह काम करता है तथा सभी प्रकार की, इससे टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में भी यह मदद करता है। इसमें होता है धनिया, जो मूत्रल है, पाचक है, दाह नाशक है तथा प्यास को कम करता है। अजवाइन, जो गैस को आराम करता है। लौंग है, जो कफ नाशक, दर्द नाशक, पेशाब को साफ लाता है, रक्त में श्वेत कणों को बढ़ाता है। घृत कुमारी पड़ा हुआ है इसमें, जो अपने विरेचक गुणों के द्वारा बहुत ही प्रसिद्ध है तथा इसके अलावा चर्म विकार में भी विशेष रूप से फायदा करती है, बवासीर में भी लाभकारी है। पाचक तिक्त बल कारक होता है। यह लीवर की क्रिया को सुधार करके अन्न का आत्मीकरण भी ठीक करती है। इसमें एक त्रिदोष नाशक औषधि है त्रिफला, जिसमें हरे बहेरा और आंवला का मिश्रण होता है, जो पेट की गैस से लेकर के अन्य कई बीमारियों का समाधान करती है। तथा अर्जुन है, जो हृदय को बलवान बनाता है। इसमें है त्रिकटू, जो सौंठ, मिर्च और पीपल का मिश्रण है, जो वात, पित्त, कफ आदि का नाश करता है। अजमोद है, जो रसायन गुणों से भरपूर है। मूत्राल तथा पथरी में लाभदायक है। गठिया, पेट दर्द, उल्टी, हिचकी आदि में
फ़ायदेमंद होता है। हल्दी है, हल्दी एक बहुत बड़ा एंटीबायोटिक है जो बिगड़े से बिगड़े हुए जुकाम, कफ, खांसी, चर्म रोग, रक्त विकार, प्रमेह आदि बीमारियों में फ़ायदा करता है तथा और इसमें सफ़ेद जीरा है जो अतिसार, रक्तशोधक, शोथहर, बातनाशक, विषग्न तथा व्रणरोपण के लिए लाभदायक है। इसमें है बला जो हृदय को बल देता है, क्षय रोगनाशक, सिरदर्द, साइटिका आदि बात विकारों में लाभप्रद है। तो दोस्तों यह हुआ झंडू पंचारिष्ट के बारे में, जो इसमें मुख्य जो घटक पड़े हुए हैं इसके बारे में मैं बता रहा था। तो सचमुच या बहुत बढ़िया ये फायदेमंद होता है डाइजेस्टिव सिस्टम को सुधारने के लिए। तो दोस्तों इसके सेवन विधि के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। इसका सेवन विधि है 15 से 30 ml सुबह शाम बराबर पानी मिलाकर भोजन के बाद।